अच्छा है, मेरा यूके में फर्स्ट विलुद हो चुका है खराब। आता मुझे कितनी देर में मेरी ये चाय हो जाती है कल्लो। देखिए कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरा यूके में फर्स्ट व्लॉग और यूके में ऑलमोस्ट मेरा है 21st डे आज। तो दोस्तों मैं रात को फ्रिज ऑन करना भूल गई थी, फ्रिज हमारी बंद थी, तो मुझे लगता है कि अब दूध हो चुका है ख़राब। तो अब इसको बॉईल कर लेते हैं ताकि पता चले। तो मेरे ख्याल से इसको बॉईल आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूध बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पराठे की तरफ आ जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आटा ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो मैंने तो रात को बिल्कुल फ्रेश गूंदा था, मुझे तो बड़ा मसला हो जाना था और वेस्ट भी हो जाना था। बट थैंक गॉड आटा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है ना, ये ज़रा अभी काफ़ी, इनके लिए तो गर्मी है लेकिन अभी काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पर। तो मैंने हालांकि सारी रात फ्रिज बंद थी, जब मैंने खोल लिया तो चीज़ें मुझे हाथ लगाने से थोड़ी थोड़ी ठंडी फील हो रही थी। सो, आटा फ्रेश था इस वजह से बच गया, लेकिन हाँ अगर मैंने परसों से गूंदा होता तो मैं भी ख़राब हो जाता। दूध तो गिर गया, दोस्तों ने देख लिया। बच्ची गया है वैसे। ये ना इस खुद बिगनर हूँ, आता मुझे कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब ये जो दूध इधर गिर गया था, सॉरी फॉर दिस मेस, इसको आप इग्नोर कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पराठे का। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो इसकी गैस की इंटेंसिटी, गैस नहीं सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जो इसकी हीट की इंटेंसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी। अब ये देखना जब हम पराठे को करते हैं तो कितना ऐसे शू की आवाज आती है ना जब हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि आपने देख लिया है। बस ऐसे माइनर सा और बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे जब रोटी बनाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे अपना बहुत क्वालिटी ऑफ टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। सो जब मैं रोटी बनाऊंगी आप देखिएगा, ये देखें, अब मैं इस पर लगी रहूंगी और फिर मुझे इसको फोल्ड कर करके बनाना पड़ता है। देखें नो डिफरेंस। तो अब इसको बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो, ये देखिए इसके ऊपर इसका ढक्कन भी है, तो कितना क्यूट लग रहा है ये। और इधर आप माशाल्लाह से मेरा पराठा भी देख लें, ये मैंने बहुत मेहनत से ये और ये जगह पकाई है फोल्ड कर करके। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भी कर रही हूँ। सो, यू सी, तो माशाल्लाह से दोस्तों मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं भूल ही गई कि पराठे के साथ कुछ सालन की चीज़ भी होनी चाहिए। मैंने चाय रख दी और पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। कोई सालन वगैरह तो अभी नहीं पड़ा था, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अंडे बना लिए जाएं। तो ये हम ले लेते हैं अंडा। मेरे हस्बैंड तो चाय के साथ पराठा शौक से खा लेते हैं, तो वो तो खा लेंगे, पर मैं अपने लिए बनाऊंगी अंडा। है ना कि टॉर्चर जिसे कहते हैं, कि उतनी देर में मेरी ये चाय हो जाती है कल्लो और फिर ये तो मेरे से माफिया मांगने। असल ब्लूपर्स तो लास्ट में हुए। डलती से ठीक से नहीं है चाय, बस बना लेती हूँ फिर इसमें शोकिया। तो अब ऐसे डल गई है, हमने इसकी जगह फिर अंदर से डाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अब हमज़ा चला गया है और ये हो गई है मेरी सफाई ऑलमोस्ट।
बर्तन भी डन हो गए हैं और जी ये मौसम भी हो रहा है बहुत सुहाना। तो ये दोस्तों मैं लेने आई हूँ सब्ज़ी। तो ये स्टोर से आपको सारी पाकिस्तानी और सब इंडियन आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी, इवन सब मसाले। तो मैंने ये बैंगन लिया है यहाँ से। तो ये अब मैं ये इनके यार यहाँ पे इस तरह से ये खुद ही बैग्स लगे होते हैं, आप उतारो ये जैसे कि मैंने उतारा है और फिर आप उसमें अपनी सब्ज़ी डाल के वेट करवा के पैसे दे दो। तो दोस्तों आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बैंगन। तो मैंने कहा एक दफ़ा आपको दिखा दूँ यार इनकी, एक तो पैकिंग देखो कितनी अट्रैक्ट करती है मुझे इनकी पैकिंग। ये टमाटर ये लहसुन देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी की हुई है। क्या आपको स्टोरेज के लिए अलग से चीज़ें चाहिए होती हैं, खुद ही बड़ी अच्छे तरीके से पैक होती हैं। इसमें प्याज हैं, प्याज यार ये पर्पल वाले थे जो मुझे मिले थे तो मैंने यही ले लिए। इसमें आलू और ये टमाटर कुछ इनके इस शेप में होते हैं। तो आज मैं आलू बैंगन बनाने लगी हूँ और जैसे कि मैं इस रात से पर्दाफाश करने वाली हूँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती, सो मैंने भी कोई यूट्यूब की वीडियो देखी है, किसी को कॉल मिला के फिर मैंने कुकिंग करनी है। सो उसके लिए वीडियो भी करनी पड़ेगी मुझे बंद, मैं देख कर सारी चीज़ें रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो साथ में ये देख लो, ये है मौसम, मौसम है कुछ ऐसा और हम अंदर करने लगे हैं कुकिंग। दोस्तों ये बन गई है टेस्टी सी हांडी मेरी आलू बैंगन की। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। यार 9:30 हो गए हैं और एक्चुअली ये देखें बारिश हो गई है। सो अब भी बारिश हो रही है, ये देखें सी, लेकिन बारीक है इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। और हमज़ा अम्ब्रेला लेके जाना अपने साथ भूल गए हैं, सो मैं अब उन्हें पिक करने जा रही हूँ उनके लिए ये अम्ब्रेला लेकर। सो देखें कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों अभी हम लोग बाहर निकले हैं वॉक के लिए, सो हम वॉक करने थोड़ा सा जाएंगे, अभी 11:30 हो रहे हैं तकरीबन। वॉक करके फिर हम लोग घर जाके बस सो जाएंगे। तो इसके साथ ही करते हैं अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।